नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज श्रीनिवास मराठे। आपको पता है ये जो विश्व है पूरी तरह से एक ऊर्जा है, ऊर्जा के अलावा कुछ नहीं है, और हम भी इस विश्व का हिस्सा है तो हम भी एक ऊर्जा है। आपको पता है बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें आपने पढ़ी होगी, उसमें ये बात आपने बहुत गहराई से देखी होगी कि हम एक ऊर्जा है और हमारे विचार भी एक ऊर्जा है। तो अगर हम ऊर्जा है तो हम हमारी ऊर्जा को एक सही दिशा दे सकते हैं या हमारी ऊर्जा को हम गलत दिशा भी दे सकते हैं। बहुत बार कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो खुद के बारे में, जितना ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है उतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचो, निगेटिव बिल्कुल भी मत सोचो। क्यों ऐसे करने के लिए कहते हैं हमें? बहुत सारी किताबों में हमें बताया जाता है कि पॉजिटिव सोचो अपनी सेहत के बारे में, अपनी रिलेशनशिप के बारे में, पैसों के बारे में। तो ये बातें हम सीखने वाले प्रयोग के द्वारा कि हमें पॉजिटिव क्यों सोचना चाहिए। पहला प्रयोग हम देखेंगे दोस्तों, ये दो तार इसे कहेंगे एंड ये दो पाइप है, ये पहला प्रयोग हम करके देखेंगे। ये प्रयोग मैंने लिया है इस क्वेर एक किताब है उसमें से। एंड दूसरा प्रयोग हम देखेंगे दोस्तों, जो आप घर पे कर सकते हो, ये दोनों प्रयोग एक वैसर एक पेंडुलम के जैसा मैंने इसे बनाया है, इनके ऊपर हमारे विचारों का कैसे असर होता है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि हमारे जो विचार है, जैसे हम विचार पैदा करते हैं हमारे मन में, वैसे ही ऊर्जा हमारे अंदर से बाहर निकलती है। अगर आप बहुत उल्लासित महसूस करते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं, उत्तेजित महसूस करते हैं, तो हमारी भावनाएँ वैसे ही ऊर्जा बाहर फेंकती है और वो बातें हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा प्रकट होने लगती है। अगर आप आपके सेहत के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, कोई किसी का नहीं होता है, हर कोई मुझे फंसाता है, मेरी सेहत हमेशा डाउन रहती है, मैं कभी भी सफल नहीं होने वाला हूँ, अगर ऐसे विचार हम करते हैं तो हमारी भावनाएँ वैसे ही ऊर्जा बाहर फेंकती है और वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने की संभावनाएँ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए, हम अगर ऊर्जा है तो हम हमारी ऊर्जा को एक दिशा दे सकते हैं, ठीक है? तो ये हम प्रयोग के साथ इसे समझेंगे। सबसे पहला प्रयोग आपको करना है दोस्तों, जो आप घर पे भी कर सकते हैं। ये क्या है? सिंपल दो पाइप है। इसके और ये जो किताब है उसमें ये प्रयोग बहुत डिटेल में दिया गया है, मैं डायरेक्टली आपको करके बताने वाला हूँ, ठीक है? एंड उसके बाद ये दो तार है मेरे पास, ये तार कुछ एल आकार के हैं, अगर आप देखोगे इस तरह से एल आकार है इनका। एंड आगे क्या है, जस्ट मैंने ब्लू सेलो टेप चिपकाया है ताकि आपको ये तार ठीक से दिखाई दे, और कुछ इसका पर्पस नहीं है। ओके, तो आप घर पे करके देखना दोस्तों। पहले देखते हैं पॉजिटिव विचार और निगेटिव विचार अगर हम करते हैं तो क्या असर होता है इन तार के ऊपर, किस तरह से ये तार हमारे विचारों की वजह से मूव होते हैं अलग अलग दिशा में। ओके, तो ये पाइप जो मैंने लिया है, अब इन तार के ऊपर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, मैंने जस्ट ये तार पकड़ के रखे हैं। अगर मैं पॉजिटिव विचार करता हूं तो हमारी जो ऊर्जा है, आभा मंडल होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, ऑरा जिसे हम कहते हैं, अभी तो ऑरा थेरेपी भी डेवलप हुई है, हमारे शरीर के आसपास एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है और उसके ऊपर असर पड़ता है हमारे विचारों का। तो जैसे मैं पॉजिटिव विचार करूंगा तो ये इस तरह से एक्सपांड होते हैं, अभी मैं हाथ से करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से एक्सपांड होते हैं। अगर हम निगेटिव विचार करते थे इस तरह से ये श्रिंक क्रॉस होते हैं, मतलब हमारी ऊर्जा श्रिंक होती है। ओके, सो जस्ट सबसे पहला विचार, मैं कोई पॉजिटिव विचार करता हूँ, किसी पॉजिटिव व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ मैं कंटिन्यूसली, थोड़ा वक्त लगेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना और ज़रूर ये घर पर भी करके देखना, मेरे ऊपर विश्वास मत करना दोस्तों, ये अद्भुत चमत्कार करते हैं हमारे विचार, आपको अभी पता चलेगा, ठीक है? पहले मैं सांसों पे ध्यान देता हूं ताकि ये स्थिर हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। अभी मैं मन ही मन में ये विचार करूंगा कि मैं बहुत स्वस्थ हूं और मुझे मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, मैं बहुत ही स्वस्थ हूं, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, इस तरह से मैं कंटिन्यूसली विचार करते जाऊंगा और सिर्फ विचार नहीं करूंगा, महसूस भी करूंगा उस तरह से, और देखते हैं ये तार किस तरह से अपनी दिशा बदलते हैं।
देखिए दोस्तों, जस्ट मैं सोच रहा था, मैं बहुत पॉजिटिव सोच रहा था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत ही पॉजिटिव लोग मिलते हैं। तो ये जो दो तार है ये पूरी तरह से इस तरह से ये एक्सपांड होने लग गए, ठीक है। उसके बाद अब मैं निगेटिव सोचता हूँ कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ या किसी ऐसे निगेटिव व्यक्ति के बारे में मैं सोचता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है या निगेटिव घटना के बारे में मैं सोचता हूँ, ठीक है। और देखते हैं ये तार किस, मेरे हाथ स्थिर है, सिर्फ ये तार को आप देखना किस तरह से ये अपनी दिशा बदलते हैं। मैं जस्ट एक निगेटिव विचार बार बार करूँगा कुछ पल के लिए। और आपने देखा दोस्तों, ये दोनों तार जो है ये क्रॉस हो गए हैं। थोड़ा स्थिर रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, आप जब आप घर पे करोगे तो करके देखोगे। पहले तो कोई भी पॉजिटिव विचार करके देखो अपनी स्वस्थता के बारे में, या मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इस तरह से विचार कंटिन्यूसली आप कर सकते हो। कोई भी एक विचार या कोई पॉजिटिव व्यक्ति आपके गुरु के बारे में, आपके भगवान के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप देखोगे ये दोनों तार जो है इस तरह से एक्सपांड होते हैं। और जब हम निगेटिव सोचते हैं तो ये दोनों तार इस तरह से क्रॉस होते हैं, इस तरह से मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं हमेशा बीमार होता हूँ, हम सोचते हैं जाने अनजाने में, हम सोचते हैं दोस्तों या मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ पता नहीं उससे मुझे सफलता मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये अनसर्टेनिटी के बारे में, ये अनसर्टन विचार जो है, अनसर्टेनिटी हमारे मन में रहती है, तो ये निगेटिव दिशा में हमारी ऊर्जा जाती है दोस्तों, श्रिंक होती है हमारी ऊर्जा, ओके। अब और एक प्रयोग हम इसके साथ करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, जस्ट मेरी वीडियो देख के, मेरा वीडियो देख के आप विश्वास मत कर लेना, खुद करके देखना, ये बहुत सिंपल है। एंड मेरे माइंड पावर के प्रोग्राम में मैं स्टूडेंट को करने के लिए लगाता हूँ और अलग अलग स्कूल में मैं ये प्रोग्राम लेता हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत सारे टीचर को मैं करने के लिए लगाता हूँ, तो उनका भी 100% सक्सेसफुली होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ उसी तरह से, जस्ट हाथों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, जस्ट विचार करके ये किस तरह से हमारी विचारों की ऊर्जा का असर होता है। अब जस्ट मैं क्या करता हूँ, उस किताब में ये भी बताया है कि जस्ट आप लेफ्ट साइड में, अब मेरी लेफ्ट साइड ये है तो ये मैं सामने ही देखूंगा, लेकिन लेफ्ट साइड में मैं मेरा ध्यान रहेगा। अब देखते हैं क्या ये लेफ्ट साइड में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हम जस्ट थोड़ा पेशेंस रखना और देखना क्या होता है। मैं जस्ट अभी लेफ्ट साइड में, मैं उधर देखूंगा नहीं, लेकिन मेरा ध्यान जो है वो मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा मन ही मन में, ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों, जस्ट मैंने लेफ्ट साइड में ध्यान केंद्रित किया मैंने, तो ये दोनों लेफ्ट साइड में जा चुके थे, ओके। अब मैं राइट साइड में, ये मेरा राइट साइड है, ठीक है। तो मैं राइट साइड में मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ मेरा, अब देखते हैं क्या ये राइट साइड में जाते हैं। देखा दोस्तों आपने, तुरंत वो राइट साइड में चले गए, ये अद्भुत है दोस्तों। जस्ट इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम हमारी विचारों की ऊर्जा को दिशा दे सकते हैं। जिस दिशा में हम सोचेंगे, जिस प्रकार का, जिस क्वालिटी की सोच हम रखेंगे, हमारी ऊर्जा उसी दिशा में जाती है। तो ये था पहला प्रयोग दोस्तों, एंड जरूर आप करके देखना। देखो बहुत सिंपल है, दो पाइप लेना है आपको, उनको अच्छे से स्मूथली यहाँ पे कट कर लेना, कोई बीच में ये नहीं रहना चाहिए, ओके। एंड ये पीवीसी पाइप है और कुछ नहीं है, सिंपल सा जो हार्डवेयर की दुकान पे आपको मिल जाते हैं। एंड ये तार है इस तरह से, ठीक है, ये तार एल आकार में, मतलब इसमें ये तार इस तरह से जाने चाहिए, पूरे आर पार यानी कि करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक भी ये तार आ जाते हैं तो सफिशियंट होता है, ओके। सो ये मैं रख देता हूँ अभी। इस क्वेर किताब है उसमें ये प्रयोग बताया गया है दोस्तों, अद्भुत प्रयोग है, ओके, आप जरूर करके देखना। नेक्स्ट प्रयोग हम देखेंगे एक पेंडुलम का, हमारे विचारों का जो असर है पेंडुलम के ऊपर होता है। पेंडुलम तो नहीं है मेरे पास, जस्ट एक वायसर मैंने लिया है एंड उसे मैंने एक सिंपल धागे से बांध दिया है, आप जरूर कर रहा है, ठीक है, आपके घर पर भी आप करना, जस्ट मैं कह रहा हूँ इसलिए विश्वास मत करना। देखिए हमारे हर एक सेल्स में क्या होता है ना दोस्तों, मेमोरी होती है हमारे एक सेल्स में, जैसे हम सोचते हैं उसी तरह से हमारा पूरा शरीर भी सोचता है,
है ना। तो अब ये जो वाइसर है मेरे पास, ये भी आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, स्थिर किया मैंने इसे। अभी मैं मन ही मन में जस्ट सोचता हूँ कि ये लेफ्ट एंड राइट हो रहा है, इधर ये से इस साइड में ये हो रहा है। हाथों को मैं स्थिर रख रहा हूँ। आपको कैमरे में शायद, एक सेकेंड मैं कैमरे के पास लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, अब मैं जस्ट मन ही मन में सोचता हूँ कि ये लेफ्ट एंड राइट हो रहे हैं। हाथ स्थिर है मेरा, जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि लेफ्ट एंड राइट ये हो रहे हैं। सॉरी, ये लेफ्ट एंड राइट हो रहा है। और आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लेफ्ट एंड राइट हो रहा है। हाथ मैंने बिल्कुल स्थिर रखने की कोशिश की है। अब मैं सोचता हूँ मन ही मन में कि ये बैक एंड फ्रंट हो रहा है, आगे और पीछे हो रहा है, बैक एंड फ्रंट। जस्ट मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ, दैट्स इट। और आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बैक एंड फ्रंट हो रहा है, जस्ट मन ही मन में सोचने की वजह से। आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये बैक एंड फ्रंट मतलब आगे और पीछे हो रहा है। ओके, अब मैं सांसों को स्थिर करता हूँ, सांसों पे लक्ष्य केंद्रित करता हूँ ताकि स्थिर हो जाए। अब मैं सोचता हूँ ये राउंड घूम रहा है, ठीक है, राउंड ये घूम रहा है। इसे हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से हम इसे घुमा सकते हैं, जस्ट विचार करके। ये जो है दीपक चोपड़ा, जिनकी एक बहुत वर्ल्ड फेमस किताब है द सेवन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, और उन्होंने इस किताब के साथ साथ 80 से भी ज़्यादा किताबें लिखी है। वर्ल्ड फेमस ट्रेनर है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व है दोस्तों इनका। ये विश्व स्तर पर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ओपरा विनफ्रे का जो शो है उसमें उन्होंने ये प्रयोग ओपरा विनफ्रे जी को करने के लिए लगाया था कि जस्ट आप मुझ पे विश्वास मत कीजिएगा, आप जस्ट करके दिखेगा। और उन्होंने करके देखा था ये प्रयोग, एंड पूरी तरह से जैसे वो सोच रही थी उसी तरह से ये जो वाइसर है ये घूम रहा था, लेफ्ट एंड राइट बोलो सोचो था। अगर उन्होंने लेफ्ट एंड राइट सोचा तो लेफ्ट एंड राइट घूम रहा था, अगर उन्होंने बैक एंड फ्रंट सोचा तो बैक एंड फ्रंट वो घूम रहा था। दोस्तों, इससे हमें बस इतना ही सोचना है कि हमारी विचारों में जबरदस्त शक्ति होती है, और जिस दिशा में हम सोचते हैं उसी दिशा में हमारी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। और इसलिए आप सोचते क्या हो, और आपको पता है हमारे विचारों का असर पानी पर होता है, और इसके ऊपर प्रयोग किया था मैसारू इमोटो, इन्होंने, काफी लोगों को उनका नाम पता होगा, उन्होंने पानी के ऊपर प्रयोग किया था कि हमारे विचारों का असर पानी के ऊपर क्या होता है। जिस बूंदों के ऊपर उन्होंने नेगेटिव विचार प्रक्षेपित किए थे, उनका जो अंदर से जो उन्होंने पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि क्या चेंजेस हुए हैं, तो कोई शेप नहीं बना था, कोई हारमोनी नहीं थी। लेकिन जिन पानी की बूंदों के ऊपर उन्होंने पॉजिटिव विचार प्रक्षेपित किए, उनको क्रिस्टलाइज किया और पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि क्या बदलाव हुए हैं, और एक बहुत खूबसूरत हारमोनी उनको दिखाई देने लगी, एंड बहुत खूबसूरत आकार उस पानी की बूंद के अंदर उनको दिखाई देने लगा। इसलिए आपको पता है दोस्तों, हमारी संस्कृति में ये मतलब ये कल्चर है हमारा कि जब भी आप पानी पीते हो तो भगवान का नाम लेके पिया करो। जब भी हम भगवान नामस्मरण करके हम पानी पीते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा उस पानी में चली जाती है। और उसी तरह से जब भी हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो डायरेक्टली भोजन करना शुरू मत कीजिएगा, उसे प्रणाम कीजिएगा, ईश्वर का नाम लीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा मन ही मन में, और उसके बाद आप भोजन करते हो तो वो भोजन नहीं रहता है दोस्तों, वो प्रसाद बन जाता है, वो आपके शरीर के लिए अमृत बन जाता है। तो की पॉइंट्स यही है कि आप दिल से जो भी आप सोचते हो वो बहुत ही पॉजिटिव सोचना कि मैं बहुत सेहतमंद हूं, मेरा शरीर दुनिया का सबसे हेल्दी शरीर है, मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे लोग आते हैं, मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं अनलिमिटेड पैसा आकर्षित कर रहा हूं मेरी जिंदगी में, अबेंडेंस भरी जिंदगी मैं जी रहा हूं, उस समृद्ध लाइफ मैं जी रहा हूं। इस तरह के अगर आप विचार रखते हैं और बार 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 ऐसे आप सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में जाती है और आपको वो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स करके मुझे जरूर बता
बताना एंड अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से ये वीडियो जरूर 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 शेयर करना। ये अद्भुत प्रयोग है दोस्तों एंड ये हमें पॉजिटिव सोचने के ऊपर मजबूर कर देते हैं। तो फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।